नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, आपकी आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के बटागुड़ त्राल में आतंकी हमला, गैर कश्मीरी नागरिक को बनाया शिकार, गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर में फिर गैर कश्मीरी लोगों पर हमला किया गया है। आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के तराल में आतंकियों के बिजनौर उत्तर प्रदेश में रहने वाले शुभम कुमार पर हमला किया है, लेकिन पुलिस ने इस घटना पर खंडन किया है। शुभम कुमार फिलहाल अस्पताल में उपचाराधीन है। शुभम को दाएं हाथ पर गोली लगी है। संबंधित पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि इस घटना की जाँच की जा रही है। यह पूरी घटना सुबह 6 बजे के आसपास की है। इससे पहले बीते रविवार को आतंकी ने प्रवासी श्रमिकों के कैंप को अपना शिकार बनाया था, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। आतंकियों ने यह अंधाधुंध फायरिंग में 6 श्रमिकों और 1 डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गांधरवाल आतंकी हमले में शामिल आतंकियों की तस्वीरें आतंकी हमले के बाद गगनबीर में NIA की टीम जाँच के लिए पहुंची थी। अब हमले के 3 दिन बाद पुलिस के हाथ आतंकियों की तस्वीरें लगी है। दरअसल एक CCTV फुटेज में सामने आया कि ये फुटेज उसी कैंप की है जिसमें आतंकी ने शिकार बनाया था। हालांकि पुलिस ने अभी इसे लेकर कुछ साफ नहीं कहा है। इन तस्वीरों में नजर आने वाले दोनों आतंकियों के पाकिस्तानी होने की आशंका है। मैच के करीब था हमला। जानकारी के मुताबिक रात 8:15 की बात है जब आतंकियों ने ऑटोमेटिक हथियारों से गोलीबारी की थी। इस समय शनि खाना खाने के लिए मैच के करीब पहुंचे। मैच और पूरा कैंप घने जंगलों में मौजूद था, जिसका फायदा उठाते हुए आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज, आपकी आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।